देख सकते हो आप सभी लोग कितने चूहे सब खान दिए हैं और इसमें नहीं पता कहाँ जा रहा है। कैसे आप सभी लोग, तो चलिए आज का सुबह में हम भी इस टाइम बज रहे हैं 7 और अभी मैं सुबह सुबह सभी पेड़ों को यहाँ पर देख सकते हो पानी दे दिया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रहा है। कल शाम को नहीं दे पाया था तो आज पूरा पेड़ को इधर पानी दे दिया है, उधर गाड़ी भी थोड़ा पानी मार दिया है और द्वार पे भी थोड़ा पानी मार दिया है। तो चलिए गाइस अभी चल रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कि अंदर जो है ठंडा करने के लिए रूम चलता हूँ, थोड़ा पानी लगा देता हूँ फर्श पे, भर जाएगा क्योंकि इस तरह भी फर्श बनाना है। तो चलिए मैं अभी पाइप को ले चलता हूँ अंदर रूम में लगा के आराम से चला दूंगा तो ठंडा भी रहेगा दोपहर में क्योंकि इन्वर्टर तो दे दिए खोलने के लिए। तो चलिए ले चलते हैं फटाफट। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं पानी भरने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पानी भर। तो गाइस हम लोग रूम में पानी लगा दिए हैं, यहाँ पे पीछे नीचे देख सकते हो आप लोग और देखते हैं दोपहर में ठंडा करता है कि नहीं। अभी ये सब थोड़ा दब जाएगा तो सही रहेगा मिट्टी, और इसमें थोड़ा पानी भी लगा दिए यहाँ पर, थोड़ा मूस लोग खान दिए हैं सभी लोग, छेद कर दिए घर में, थोड़ा ये दबेगा, देखो ये दब रहा है। तो गाइस देख सकते हो पूरा पानी में भर दिया और मैं धस रहा इस दलदल में, क्या बताया जाए। अभी दूसरे रूम में भरने चल रहे। तो गाइस अभी ऊपर देखे आप लोग मिस्त्री आया था, मिस्त्री पूरा काम कराया, मैं थोड़ा दीवार वाल कट करवाया और अभी देखो मैं खुद मिस्त्री बन गया, पूरा घर में नीचे पानी पानी कर दिया हूँ। अब इसी में हम लोग कह रहे हैं इसको क्योंकि इसमें पानी लगा दिए, क्योंकि देखो यहाँ पर भाई आपको दिखा, आप देख सकते हो कितना मूस खाने हुए सब, ये देख सकते हो आप सभी लोग कितने चूहे सब खान दिए हैं और इसमें नहीं पता कहाँ जा रहा है पानी पूरा, ये देख सकते हो सब पानी उसी में जा रहा है और कब से पानी चलाया हूँ सब पानी उसी में खींच रहा, भी देखो ना धंसेगा, इसको मैं धंसा रहा हूँ क्योंकि इसमें फर्श बनवाना है। देख सकते हो कितना कबाड़े जैसा लग रहा है ना, अभी बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे, तब तक से तो मुझे लगता है मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर क्योंकि मैं चला जाऊँगा दार्जिलिंग। तो ये देख सकते हो आप सभी लोग कितना मतलब पानी उसमें जा रहा है, देखो ये नहीं पता कहाँ जा रहा है। है कालू कालू और अभी इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे गाय का गोबर रखा गया है तो यहीं पे मतलब इसको तो जो आग जलाने वाला होता है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी लोग कितना घास हो गया है, सब इसको छीलना पड़ेगा और यहाँ पे ये देख सकते हो कितना घास हो गया ना, इसको थोड़ा काट देता हूँ। और उस दिन का आप लोग देखे ब्लॉग में इसको पूरा कट किया था सुबह सुबह, और ये वाला देख सकते हो आप लोग गोबर कितना हो गया ना, तो इसको इससे घर में खाना बनता है, इसको जो गोबर जो मतलब यहाँ पे जो पात जाता है उसको बोलते हैं गोइठा। तो इसको चलते थोड़ा साफ़ कर देते हैं क्योंकि कल सुबह मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ पे सब आएंगे सब पातने वाले लोग तो नहीं हो पाएगा, तो अभी चलता हूँ थोड़ा इसको साफ़ कर देता हूँ फटाफट। और शाम के टाइम 6 भी बज रहे, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो चलता हूँ पहले मैं इसको साफ़ सफाई कर लेता हूँ। तो अभी देख सकते हो मैं पूरी तरह से एकदम थक गया भाई, क्या कहूँ, इतना मतलब गर्मी भी हो रहा है और धूप तो देख ही रहे हो आप लोग कितना गर्मी हो रहा है। तो देख सकते हो मैं इतना सब एकदम अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया हूँ और अभी लाइट का वेट कर रहा हूँ, लाइट आएगा तो इसको थोड़ा पानी भरने का काम करूँगा और अभी इसको थोड़ा और भी साफ़ कर देता हूँ क्योंकि कल मैं चला जाऊँगा तुरंत सुबह सुबह ही नानी को लेने, ट्रेन में मतलब वो आ रही हैं वहाँ से दार्जिलिंग से और मेरी एक बाइक भी आ रही है तो उस बाइक का मैं आपको ब्लॉग बनाऊँगा। तो अभी मैं पहले शाम, अभी रात हो रहा है ना, अंधेरा देख सकते हो रहा है तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको साफ़ कर दूंगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं इसको पहले फटाफट और भी अच्छे तरीके से इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी सफाई चल रही है और इसको गोबर बोलते हैं गांव में, इसे वो पाथा जाता है गोबर, और यहाँ पे बहुत लोग का हो रहा है उधर उस साइड में, सबका होता है, हम लोग का नहीं हो रहा है तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो इसलिए सफाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आएंगी इसको करेंगे, कुछ वो हाफ लेंगे कुछ हम लोग लेंगे,
प्यांस मैं कब से सफाई कर रहा बहुत ज़्यादा, कुछ सुबह में हुआ था और कुछ अभी हो रहा है तो शाम हो गया, फिर बीच में तो धूप हो जाता है। काफ़ी मेहनत कर रहा है और आप इसे मतलब बहुत सपोर्ट करे गाइज हम लोग को, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ब्लॉग में। मैं तो अभी स्टार्टिंग में ही अभी कुछ आई हूँ, ये तो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं ब्लॉग में, तो आप मुझे हम लोग को सपोर्ट करें जल्दी से, हम लोग भी का हम लोग का भी वीडियो जल्दी से हम लोग का वायरल हो वीडियो। शाम का समय है और अंधेरा होने वाला है तो अभी सफाई हो रहा है, अभी बस इतना पे ये बंद कर देंगे सफाई, अब नहीं करेंगे, अब बाद में होगा। और ये काफ़ी इतना बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो एकदम बहुत ही अच्छे से पूरा घास हट गया है। काफ़ी यहाँ की मिट्टी भी बहुत नरम है, इसकी वजह से जो घास है वो काफ़ी साफ़ हो जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अंश भैया, आप इन्हें सपोर्ट करें गाइस, बहुत मेहनत करते हैं ये, हर रोज़ ब्लॉग बनाना, उसे एडिटिंग करना, तो काफ़ी मेहनत लगता है उसमें, तो आप लोग इन्हें सपोर्ट करें, जल्द से जल्द सपोर्ट करें इन्हें, इनका भी वीडियो वायरल हो। तो आप लोग देखो इनको कितने अच्छे से सफाई कर रही है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, शादी है यहाँ पर एक लड़की का, मतलब यहीं पास में ही है, तो अभी मुझको जाना है, न्योता है, तो अभी इस टाइम लगातार ही भोज चल रहा है, तो चलिए भी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और सब काम हो गया है, मैं नीचे पूरा पानी भी दे दिया और साफ़ सफाई भी हो गई पूरी तरह से, अच्छे तरीके से एकदम, और चलता हूँ अभी, थोड़ा भोज भी खा कर आ जाता हूँ। और तो चलिए चलते हैं अभी, थोड़ा तैयार हो जाते हैं। सो गाइस अभी देख सकते हो गांव में दो बारात और एक तिलक है, और अभी यहाँ पे बम बजना शुरू हो गया, तो आइए मैं दिखाता हूँ आप सभी को। यहाँ पे जॉनी को देख सकते हो, और यहाँ पे शादी है एक, और यहाँ पर देख सकते हो बारात आएगी, यहाँ पे उधर आ गई है शायद बारात, और उधर ही शायद तिलक है, दो उधर एक बारात है एक तिलक है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि दो बारात आ रही है, तो यहाँ पर बम बज रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो जॉनी को मेरे पास आकर कैसे छिप रहा है, आपको दिखाता हूँ। देखो देखो मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे भाग रहा है, मतलब ये बम से नहीं पता क्यों डर रहे हैं। जॉनी जॉनी गाइस देख सकते हो ना, ये बम से बहुत तेज़ी से डर रहा है। देखो ये देखो ये देखो, अरे जॉनी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, देखो आप लोग कैसे मेरे पीछे पीछे आ रहा है, बम से डर रहा है। बैठ जाओ बैठो बैठो, देखो मैं इधर आऊँगा तो इधर आएगा, देखो देखो यहाँ पाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो देखो यहीं पर देखना मेरे पैर में घुस जा रहा है, बैठ जाओ। बम से इतना इधर उधर कर रहा है, बैठो बाय बाय जॉनी बाय बाय। तो गाइस एक बारात यहाँ पर भी आ गई है, जो यहीं पास वाला था जहाँ पे मैं गया था, ये वही वाला है, और इधर बारात वाले सभी लोग रुके हुए भी हैं, देख सकते हो कितना मस्त एकदम लग रहा है ना, व्यू भी मस्त आ रहा है एकदम। इधर अभी बारात वाले सब गाना बजाना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर धुआं देख सकते हो कितना हो रहा है ना। सो गाइस अभी हम लोग खाना पीना खा लिए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि मैं गया था भोज खाने, क्योंकि एक लड़की का शादी था यहीं पे पास में ही, और यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉग में दिखा भी होगा कि बारात जो आई थी यहाँ से ही गई थी पास ले, तो और यहीं पे पास में ही मतलब रुका गया, यहीं पे शादी हो रहा है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कर दीजिए गाइस। और हाँ गाइस सबसे मेन बात ये है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग भी नए हो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आज आपको